नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड बैच 2024 का जो अभिकल्प क्लासेस में टेस्ट हुआ है उस पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जो अभिकल्प क्लासेस में वीकली टेस्ट होती हैं हर गुरुवार को, वो आपका जो इस बार टेस्ट हुआ है 25 जुलाई 2024 वार गुरुवार को सेकेंड ग्रेड बैच के लिए टेस्ट हुआ है, ये टेस्ट है, इस पर अपने चर्चा करने जा रहे हैं, आंसरों के निशान लगवाएंगे। तो देखिए, इसके अलावा यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट abhikalpinstitute.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अपने शुरू करते हैं जो सेकंड ग्रेड बैच 2024 25 जुलाई 2024 वार गुरुवार को वीकली टेस्ट हुआ था, तो इसकी चर्चा आपके साथ करेंगे सुभाष सर। चलते हैं सुभाष सर के पास। हाँ, तो देखिए, सेकंड ग्रेड के पेपर में पहला जो आपका पोर्शन दिया गया है ये है पॉलिटिकल साइंस का, और पहला जो प्रश्न है, कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा कब की थी? तो आपको पता है 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की थी, जबकि ये कैबिनेट मिशन योजना है 24 मार्च 1946 को भारत आई थी, लेकिन अपने प्रस्तावों की घोषणा 16 मई 1946 को की थी। तो सही ऑप्शन दे होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना की सिफारिश पर हुआ? तो आपको पता होगा ये कैबिनेट मिशन योजना जो आई है इसी योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा के चुनाव करवाए गए। नेक्स्ट है, निम्न में से वह जो कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था, तो आपको पता होगा 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस जो है ये तो अध्यक्ष थे, इसके अलावा स्टेफर्ड क्रिप्स सदस्य के रूप में आए हैं, एवी अलेक्जेंडर आए हैं और क्रिस्टोफर एमरी जो है ये नहीं है, कैबिनेट मिशन का सदस्य क्रिस्टोफर एमरी नहीं था। नेक्स्ट है, चौथा प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा है इसमें, स्थायी अध्यक्ष तो आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा थे, जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो पहली बैठक में चुने गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, संविधान सभा की सर्वाधिक सीटें किस प्रांत में थी? तो सुंग प्रांत में थी, आजकल इसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं, उत्तर प्रदेश यानी सुंग प्रांत में संविधान सभा की सर्वाधिक सीटें थी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो देखिए, 16 अगस्त 1946 को जिस दिन संविधान सभा का रिजल्ट आया था, कम सीटें मिलने के कारण मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार की घोषणा की थी और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। नेक्स्ट है, भारत विभाजन की घोषणा कब की गई? तो आपको बताया 3 जून 1947 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का सिद्धांत किस देश से ग्रहण किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है, दक्षिण अफ्रीका में जिस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जाता है भारत में उसी तरह से किया जाता है। नेक्स्ट है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, आचार्य जे बी कृपलानी जो है ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा, 10वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है? तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की गारंटी हमें प्रस्तावना देती है, सामाजिक न्याय का उल्लेख है, राजनीतिक न्याय का उल्लेख है, आर्थिक न्याय का उल्लेख है, जबकि धार्मिक न्याय का कोई उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आगे ज्योग्राफी के प्रश्न आ जाते हैं। राजस्थान का 25 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है, तो अर्धशुष्क मरुस्थल क्षेत्र इसको बोलते हैं, प्रदेश जो होते हैं। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में पाया जाने वाला हरा भरा क्षेत्र कहलाता है, तो उसको नखलिस्तान कहा जाता है। थार के मरुस्थल की लंबाई कितनी है? तो 640 किलोमीटर है। राजस्थान के अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 75,000 वर्ग किलोमीटर है। हमादा देखिए, हमादा क्या है? 15वां प्रश्न, हमादा क्या है? चट्टानी मरुस्थल जो होता है उसको हमादा कहा जाता है। किस तटीय मैदान पर निर्माण माही व साबरमती नदी के जलोढ़ निक्षेप से हुआ है? तो सौराष्ट्र जो तट है इसका निर्माण हुआ है। कोंकण तट का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो कोंकण तट का उत्तरी बिंदु जो है वो है दमन। 18वां प्रश्न है, किस तटीय मैदान के बालू का स्तूप युक्त स्थल आकृतियों को टेरिस कहा जाता है? तो देखिए, ये कहा जाता है मालाबार तट की आकृतियों को। नेक्स्ट है, हल्दिया बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। 20वां प्रश्न है, कौन सा तटीय मैदान कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो कोरोमंडल स्थित है। इसके बाद देखिए, इंडिया ज्योग्राफी के बाद बात करते कर लेते हैं राजस्थान ज्योग्राफी की। जो प्रश्न आपको दिए गए हैं 10 प्रश्न 21 से 30 नंबर तक, तो देखिए, पहला है, इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन कब किया गया? तो 31 मार्च 1948 को किया गया। दूसरा देखिए, ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर 4 नंबर ऑप्शन डॉक्टर करणी सिंह वाला ये होगा। इसके बाद देखिए, निम्न में से आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, आपको पता है माही नदी नहीं है, बाकी ये तीनों नदी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। माही नदी जो है ये अरब सागर में अपना जल डालती है। इसके बाद देखिए, बागड़ की गंगा व दक्षिण राजस्थान की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो बागड़ की गंगा और दक्षिण राजस्थान की गंगा माही नदी को कहा जाता है। मोरली झाड़ी से नमक किस झील से तैयार किया जाता है? तो पंचपद्रा झील से तैयार किया जाता है। किस झील के किनारे राजस्थान का प्रथम कोयला संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो बाप झील जो है, बाप झील के किनारे किया जाएगा। झीलों को जोड़ने का जनक किसे कहा जाता है? झीलों को जोड़ने वाला जो राजा है महाराणा फतेह सिंह, जो कि मेवाड़ का राजा है, इसे कहा जाता है।
राजस्थान का नंदन कानन सिल्ली सेठ झील जो कि अलवर में ही से कहा जाता है। राजस्थान का विखंडित जिला कौन सा है, तो चित्तौड़गढ़ विखंडित जिला है। नेक्स्ट देखिए, पवनानुवर्ती बालुका स्तूप का विस्तार निम्न में से कौन से जिले में नहीं है, तो डूंगरपुर में नहीं है। इसके बाद देखिए, राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न है उन पर अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। जो 10 प्रश्न है कला और संस्कृति से संबंधित, तो पहला जो प्रश्न देखिए, महिलाओं द्वारा मेंबर नामक आभूषण पहना जाता है, तो माथे पर पहना जाता है। नेक्स्ट है, बेसरी व भमरा नामक आभूषण पहने जाते हैं, तो नाक पे पहने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आभूषण कान में नहीं पहना जाता, तो दामणी जो है, दामणी ये कान में नहीं पहना जाता। इसके बाद देखिए, चंपाकली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो गले में पहना जाता है। नेक्स्ट है, ग्रास्य जनजाति की महिलाओं द्वारा कान में पहना जाने वाला सबसे लोकप्रिय आभूषण कौन सा है, तो झेला है। आंवला नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो आंवला जो है पैर में पहना जाता है। इसके बाद देखिए, नवनिर्मित ग्रह में प्रवेश की रस्म क्या कहलाती है, तो नांगल कहलाती है, इसको नांगल कहा जाता है। सती प्रथा निवारण अध्यादेश 1829 लागू करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है, तो अलवर है। नेक्स्ट है, राजस्थान से प्राप्त किस शिलालेख में सती प्रथा का सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है, तो गटियाला का शिलालेख जो कि जोधपुर से मिला है इसमें मिलता है। 40वां प्रश्न है, डॉक्टर हरिविलास सारदा ने किस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया, तो आपको पता है अजमेर के समाज सुधारक डॉक्टर हरिविलास सारदा ने बाल विवाह को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया था। इसके बाद देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न है, वेल्डस घास के मैदान कहाँ स्थित है, तो वेल्डस घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसके बाद देखिए, पेम्बा व जंजीवार द्वीप क्यों प्रसिद्ध है, तो लौंग उत्पादन के लिए द्वीप प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, अभी समय सर्वाधिक बॉक्साइट के भंडार कहाँ पाए गए हैं, तो गिन्नी में पाए गए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा मरुस्थल अटलांटिक महासागर के तट के साथ फैला हुआ है, तो नामीब जो मरुस्थल है ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज फ्री स्टेट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से अफ्रीका के किस द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, तो मॉरिशस द्वीप जो है, दया ऑप्शन, मॉरिशस द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक तापमान वाला स्थान कौन से देश में है, तो लीबिया के अंदर है, लीबिया जो देश है इसमें सबसे ज़्यादा तापमान वाला स्थान है। नेक्स्ट, अफ्रीका का सबसे निचला स्थान कौन सा है, तो अफ्रीका का सबसे निचला स्थान है लेक असाल जो है ये अफ्रीका का सबसे निचला स्थान है। 49 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सी जलधारा बहती है, तो लेब्राडोर बहती है। 50वां प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका व एशिया महाद्वीप को कौन सी जल संधि पृथक करती है, तो बेरिंग जल संधि पृथक करती है। आगे देखिए, राजस्थान के ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न है उन पर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है, तो 1 जुलाई से 30 जून तक है। नेक्स्ट है, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब हुई, तो 2004 में हुई। अगला प्रश्न है, वर्तमान में MSP के लिए अधिदृष्ट फसलों की संख्या कितनी है, तो 23 फसलों पर मिनिमम स्पॉट प्राइस यानी MSP सरकार के द्वारा दी जा रही है। नेक्स्ट है, बैंक नोट प्रेस देवास किस जिले में है, तो आपको पता है देवास मध्य प्रदेश में है। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो GST परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से GST संविधान में किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया तथा इसमें भारत के राष्ट्रपति को GST परिषद का अध्यक्ष गठन करने का अधिकार दिया गया है, तो देखिए ये है 279A जो अनुच्छेद, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इस समय राष्ट्रीय आय को व्यक्त करने के लिए भारत में किस सन को आधार वर्ष के रूप में लिया गया है, तो 2011-12 को लिया गया है। आगे निम्न में से असत्य कथन चुनिए, तो असत्य कथन चुनना है, तो कोई कथन असत्य नहीं है, यानी सारे कथन जो है ये सारे कथन ही सत्य हैं। नेक्स्ट है, तृतीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई, 1977 के अंदर हुई है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के हिस्ट्री से संबंधित जो प्रश्न है उसके उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला देखिए, निम्न में से राजस्थान का सबसे छोटा ठिकाना कौन सा है, तो लावा जो ठिकाना है सबसे छोटा ठिकाना था। इसके बाद देखिए, निम्न में से किसे मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया, तो शोभाराम कुमावत जो है, शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। कणसवा विलेख का संबंध किससे है, तो कोटा से है। राय सिंह प्रशस्ति के प्रशस्तिकार कौन थे, जैन मुनि जेता थे, जेता ने लिखी है ये राय सिंह प्रशस्ति। मेवाड़ के प्राचीन नाम निम्न में से क्या कहलाते थे, तो ये सारे नाम देखिए, CV प्रागवाड़ मेदपाट ये सारे उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी सारे जो है मेवाड़ के ही नाम है। नेक्स्ट है, मेवाड़ के गुहिल वंश की द्वितीय राजधानी कौन सी, तो आहड़ जो है, आहड़ ये मेवाड़ के गुहिल वंश की द्वितीय राजधानी थी, पहली राजधानी नागदा थी।
नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख का संबंध किस सन से, तो 634 ईस्वी से ऐहोल अभिलेख का संबंध है। निम्न में से प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है, तो आचार्य मेरुतुंग जो है आचार्य मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ लिखा है। अगला देखिए प्रश्न है तिलवाड़ा सभ्यता का संबंध है, तिलवाड़ा का संबंध बाड़मेर, इसमें बाड़मेर आएगा उत्तर। वैसे तिलवाड़ा सभ्यता बलोत्रा जिले में आ गई है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, तो पृथ्वीराज विजय के जो लेखक हैं वो है ज्ञानक भट्ट। तो इसके बाद देखिए आपके आ जाते हैं आगे जो है स्टेटिक्स जी के जो है उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए भी पहला प्रश्न है लिपु लेक दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो देखिए सॉरी ये ऊपर प्रश्न है पहला 71 नंबर प्रश्न देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो 129वां होगा। इसके बाद 72 नंबर प्रश्न है ओजोन संरक्षण से संबंधित वियना समझौता कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। जलकट्टू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है पूछा गया है, तो तमिलनाडु से है। आगे है लिपु लेक दर्रा जो है ये कहाँ पर है, तो देखिए लिपु लेक दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है। पंचतंत्र पुस्तक किसकी है, तो विष्णुदत्त शर्मा की है। गीतांजलि पुस्तक की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, 1764 में। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो लग्जमबर्ग में है। सूर्यदेव महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये बिहार में मनाया जाता है। आगे देखिए करंट अफेयर्स के प्रश्न, पहला प्रश्न है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है वो 17 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन से है। हाल ही में चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कारण बच्चों की मौत कहाँ हुई है, तो इस चांदीपुरा वायरस से गुजरात के अंदर बच्चों की मौत हुई है। हाल ही में ICC का वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये कोलंबो के अंदर हुआ है जो श्रीलंका की राजधानी है। मलेशिया का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है, ऑप्शन बी। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जो एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किसने की जगह यहाँ पर कहाँ आएगा कहाँ किया, तो ये जो है ये आपका मॉरिशस में किया जो अफ्रीका का एक देश है, सही ऑप्शन। हाल ही में हरियाणा राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है, तो 10% आरक्षण हरियाणा राज्य जो है ये अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने 11 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो मध्य प्रदेश ने यह रिकॉर्ड बनाया है। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये भारत में किया जाएगा, सही ऑप्शन। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा, तो ये झारखंड के अंदर खुलेगा। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 10 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन डी होगा। उसके बाद देखिए राजस्थान की व्यक्तित्व दीपा सिंह को ब्रिटिश पार्लियामेंट से सम्मानित किया गया, वह किस जिले की रहने वाली हैं, तो वह जो है वो उदयपुर की रहने वाली हैं, ऑप्शन सी। राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो ये उदयपुर से जयपुर चलेगी, ऑप्शन ए। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स के 2023-24 में राजस्थान का स्कोर कितना रहा है, तो 6700 रहा है, सही ऑप्शन। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ऑप्शन बी। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2024 का आयोजन कब किया जाएगा, तो ये आयोजन जो है दिसंबर 2024 में किया जाएगा, ऑप्शन डी। राजस्थान दशहरा महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है, तो यह कोटा के अंदर मनाया जाता है। आगे देखिए 97वें नंबर प्रश्न है हाल ही में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस जिला पुलिस रेंज में महिला अत्याचारों में सबसे बड़ी संख्या में कमी आई है, तो यह इसका उत्तर होगा भरतपुर, भरतपुर में सबसे ज़्यादा कमी आई है। उसके बाद देखिए किन जिलों में विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, तो अलवर और भरतपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। उसके बाद देखिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो 15 जुलाई 2024 को मनाया गया, ऑप्शन डी। राजस्थान में इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन कब किया जाएगा, तो ये आयोजन 5 फरवरी 2026 को किया जाएगा। तो ये अभिकल्प क्लासेज अभिकल्प इंस्टीट्यूट के अंदर जो भगत सिंह नियर भगत सिंह चौक मानगढ़ जंक्शन हमारा एड्रेस है, तो इसमें जो आपके वीकली टेस्ट होते हैं उसमें सेकंड ग्रेड का जो टेस्ट हुआ है, सेकंड ग्रेड के टेस्ट की आंसर की पर अपनों ने चर्चा की है, तो ये आपका सेकंड ग्रेड बैच 2024 की आंसर की थी जो गुरुवार को 25 जुलाई 2024 को टेस्ट हुआ था। इसके अलावा जो आप जितने भी वीकली टेस्ट होते हैं उसकी आंसर की आपको स्टडी विद एस के वर्मा ये यूट्यूब चैनल जो है इस पर मिल जाती है, उसी दिन शाम को या अगले दिन प्रोवाइड करवा दी जाती है, एक दो दिन लेट हो सकते हैं, पर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सभी जितने भी बैच के अलग अलग पेपर होते हैं सबकी अलग अलग आंसर की आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो ये अपना सेकंड ग्रेड का जो पेपर था गुरुवार का जो हुआ था उसकी अपनों ने चर्चा कर ली है, तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।